हाय, माय नेम इज़ दिनेश कुमार दुर्वे। आज हम आपको जो एम्बेडिंग के बारे में बताएंगे कि एम्बेडिंग होता क्या है ना। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इधर पूरा, ये एल मोल्ड है, ये इसको लिक्वाड एम्बेडिंग बॉक्स भी बोलते हैं, है ना। ये एल शेप में होता है एक्चुअली, इसको जब इस तरीके से देखते हो तो ये एल शेप में दिखाई देता है ना, इसीलिए इसका जो एल मोल्ड नाम पड़ा है। और ये जो है ब्रास मेटल का बना होता है, इसके थ्रू जो है अपन एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग का मतलब होता है ब्लॉक मेकिंग, है ना। अब अपन सीखते हैं कि ब्लॉक बनाते कैसे हैं। सबसे पहले पैराफिन वैक्स के बारे में जानते हैं। ये है पैराफिन वैक्स, है ना। ये दो फॉर्म में होता है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैराफिन वैक्स है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पैराफिन वैक्स का, 58 to 60 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है ये मेल्ट हुआ हुआ पैराफिन वैक्स है ना। तो ये जो है दो फॉर्म में होता है। अब जब हम एम्बेडिंग करते हैं या ब्लॉक बनाते हैं तो अपने को मेल्टेड पैराफिन वैक्स की जरूरत पड़ती है। जब हम ब्लॉक बना लेंगे, बनाने के बाद जो है हमें इस तरीके से ब्लॉक दिखाई देगा, है ना। ये जमा हुआ ब्लॉक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है इस तरीके से होता है ये, है ना। जब हम हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाता है। अपन हम ब्लॉक कैसे बनाएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टिशू है ना। आफ्टर टिशू प्रोसेसिंग इस तरीके से जो ये कैसेट होता है, तो कैसेट में से जो है ये निकलता है। ये कैसेट है, इसमें से अपन टिशू प्रोसेसिंग में जब हम डालते हैं तो ये नंबर, एचपी नंबर जो हम देते हैं, इसमें एचपी नंबर लिखा हुआ है ना। ये इस तरीके से पेशेंट को जो हम एचपी नंबर देते हैं, और ये कैसेट है, कैसेट के अंदर ही ये दोनों चीज़ें रहते हैं, जो टिशू रहता है वो और ये नंबर लेबलिंग। तो अपन जो है इसको निकालने के बाद जो है किस तरीके से एम्बेडिंग करेंगे वो अपन सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले लेबल जो रहता है ना, पेशेंट का जो भी हम एचपी नंबर देते हैं उसको जो इस पर चिपकाना है, वो किस तरीके से, है ना। इस तरीके से ये हमने चिपका लिया। एक भी लगा सकते हो आप, दोनों लगा सकते हो। दोनों लगाने के लिए इसमें एक और रखा हुआ है, उसमें भी आप लगा लो इस तरीके से, है ना। और उसके बाद जो इसको ऐसे रखना है, जितना बड़ा साइज टिश्यू का है उसी हिसाब से जो इसको आप रख सकते हो। बड़ा है तो इसको आप बड़ा कर सकते हो, छोटा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप इसको रखना है। उसके बाद जो है इसमें ये मेल्टेड जो पैराफिन वैक्स है वो आपको रखना है, जितना आपको ज़रूरत है इसको आप फुल भर दीजिए। उसके बाद जो है ये जो टिश्यू है ना, तो टिश्यू को जो है जल्दी से इसमें, ताकि ये जम ना जाए, आप इसको कटिंग सरफेस देखना है कि टिश्यू को आपको कैसे रखना है। अलग अलग प्रकार के टिश्यू आते हैं, वो आपको जो है बाद में हम बता देंगे किस किस प्रकार का टिश्यू आता है, कैसे उसको रखना है। ये नॉर्मल टिश्यू है, इसको आप ऐसे फ्लैट रखिए। तो इसको फ्लैट रखना है तो इस तरीके से फोरसेप से पकड़िए और इस तरीके से इसको रख दीजिए। और रखने के बाद जो है इसको प्रेस करना है अच्छे से, ताकि आराम से करना है, सावधानी से, ताकि ये टूटे ना टिश्यू। और ये प्रेस कर दीजिए अच्छे से, ताकि उसका जो है कटिंग सेक्शन पूरा बराबर उस तरफ आ जाए। इस तरीके से हमने प्रेस कर दिया, और अब जो है ये 15 या 20 मिनट के बाद जो है ये जम जाएगा। जमने के बाद जो इस तरीके से ब्लॉक निकल जाएगा, है ना। तो वो जो है हम आपको बाद में बता देंगे। तो ये रहा आपका टिशू प्रोसेसिंग। इस तरीके से 20 मिनट हो गया, 15-20 मिनट बाद जब हम इसको इस तरीके से आराम से निकालते हैं, तो ये ब्लॉक हमारा तैयार हो चुका है ना। और ये जो इसमें एचपी नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये है ना। और ये टिशू इस तरीके से, ये तो हमारा ये ब्लॉक तैयार हो चुका है।